पटना में दुर्गा प्रतिमा बनाने का कला का अनोखा प्रदर्शन। आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट ने धनिया के दानों से बना दी पूरी प्रतिमा, 2 महीने का लगा वक्त। चंडिका स्थान में मां के नेत्र पर होता जलापण। 52 शक्ति पीठों में से एक है मुंगेर का चंडिका स्थान। रात 12 बजे के बाद से 20,000 श्रद्धालु कर चुके हैं जलापण के बाद हवन। पटना में यह कैसी चौकसी, पंडाल से बाजार तक भीड़। कागजी आदेश पर प्रशासन की तैयारी, पूजा पंडाल से लेकर बाजार में भीड़। पुलिस की चौकसी के बाद भी टूट रही गाइडलाइन। मेला घूमकर लौट रहे बाइक सवार की दुर्घटना में मौत। मोतिहारी अरेराज मेन रोड पर हुई टेम्पो से टक्कर, घटना स्थल पर ही 19 साल के संजीत ने दम तोड़ा। खगड़िया में बलि के नाम पर अवैध वसूली। मंदिर समिति में फीस जमा करने के बावजूद बड़ी दुर्गा स्थान में दबंग वसूलते 250 रूपए, लोगों का आरोप, पुलिस भी मिली है। आरजेडी ऑफिस में छेटन का लालटेन, 4 साल बाद बिहार आ रहे लालू के स्वागत में 2400 घंटे जलेगा लालटेन। मोतिहारी में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे बने एक घर में घुसा, मौके पर महिला और किशोरी की मौत। रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी की हत्या, झाझा में हाथ पैर बांधकर बदमाशों ने वृद्ध दंपत्ति को पीटा, बुजुर्ग की मौत, किसी तरह पड़ोसी के घर भागकर पत्नी ने बचाई जान। मुजफ्फरपुर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, कमरे में फंदे से लटका मिला महिला का शव, मायके वालों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप, आरोपी ससुराल वाले घर से फरार। 5 घंटे में पूरी रामलीला, कालिदास रंगालय में वर्चुअल उद्घाटन आज शाम, कल कोरोना रूपी रावण का वध करेंगे राम। बाराती बने लालू के बड़े बेटे, शाहबुद्दीन के बेटे की शादी में शामिल हुए तेज प्रताप, भीड़ से बचाने को कमरे में करना पड़ा बंद। मुजफ्फरपुर में दरवाजे पर खेल रहा मासूम गायब, 18 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग, परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका, खोजबीन में जुटी पुलिस। शक्ति की आराधना के बीच शर्मनाक मानसिकता, बखा में चौथी बेटी के जन्म पर पिता ने पोखर में छलांग लगा, खुदकुशी की कोशिश की। चुनाव हारा तो वोटर को पीटा, गया में वोट नहीं देने पर समर्थकों संग मिलकर गांव के युवक को मुखिया प्रत्याशी ने पीटा, इलाके का माहौल गरमाया। स्मार्ट मीटर के खिलाफ बना बिजली उपभोक्ता महासंघ, दशहरा बाद होगी पटना में बड़ी लड़ाई, 2 रुपए किलो गेहूँ 3 रुपए चावल लेने वाले कहां से कराएंगे रिचार्ज।